हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है गिटार विद पुनीत। और फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गिटार पिक्स अच्छी हैं और कौन सी गिटार पिक हैं जो आपके लिए सूटेबल रहेगी फॉर प्लेइंग योर गिटार। सो फ्रेंड्स, देखने के लिए स्टे ट्यून। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं सबको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट प्लेयर्स हैं या प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, कि फ्रेंड्स अपनी पिक्स चेंज मत किया करिए। क्योंकि रीज़न ये होता है कि जिस पिक से आप बजा रहे होते हैं उस पिक के साथ आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है। लेट सपोज़ मान लीजिए आप 0.88 mm की पिक से प्ले कर रहे हैं और आपने दो हफ्ता प्ले किया और दो हफ्ते बाद आपका शो है या आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, और सडनली आपने अपने बैग से 1.00 mm की पिक निकाली और आपने प्ले करना शुरू किया, तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपके प्लेइंग में हिंड्रेंस ज़रूर लाएगी। बेशक वो 20% लाए, 25% लाए, लेकिन लाएगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक ही सजेशन है, आप अपनी गिटार की पिक्स चेंज मत करा कीजिए। आप अपने पिक को कोशिश करिए कि आप सेम ही रखिए। और जितने भी रिदम प्लेयर्स हैं या कि या श्रेडर्स हैं, रिफ प्ले करते हैं, उन सब के लिए एक यूनिक पिक बनाई गई है। रीज़न ये होता है कि जो भी आपको पिक, जो जिस टाइप के भी आप प्लेयर हो, लेट सपोज अगर आप जैज़ प्लेयर हो, तो मेक श्योर कि आप वही पिक यूज़ करें जो कि जैज़ म्यूज़िक बजाने के लिए सूटेबल रहे। या अगर आप रॉक प्लेयर हैं तो ऐसी पिक यूज़ करिए जिसमें आप श्रेडिंग कर पाएँ या फिर आप पावर कॉर्ड्स प्ले कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। मेरे पास बहुत कलेक्शन है पिक्स का, मैं आपको आज अपनी कलेक्शन दिखाऊंगा और एक एक पिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पिक है, क्या उसका यूज़ है और वो मटेरियल अच्छा है नहीं है, आपको वो पिक यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पिक्स की कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उठाना चाहूँगा ये कुछ इस तरीके की पिक्स जो आपको जब आप गिटार खरीदते हैं तो उसके साथ आपको फ्री मिलती है। फ्रेंड्स, ये पिक आप देख सकते हैं। फ्रेंड, ये जो पिक है मुझे ये बहुत ही फ्रेंड्स जो ये पिक है ये बहुत ही लाइट मटेरियल है और मैं इस पिक से कभी प्ले नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इन पिक से प्ले करता हूँ इनकी जो नॉइज़ है, आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स, ये नॉइज़ मेरे को सुनाई देती है प्लेइंग करते वक्त। और साथ ही साथ ये जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है इसमें, ये बहुत ही लो क्वालिटी प्लास्टिक है। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये पिक यूज़ करते हैं तो मत करिए, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बिल्कुल इस पिक्स के बिल्कुल इन पिक्स को सजेस्ट नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, अब मैं जो पिक उठा जाता हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, मेरी कलेक्शन में ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से पिक है। फ्रेंड्स, ये है टॉटेक्स की, डनलॉक की टॉटेक्स, और इसका जो साइज़ है वो है 0.88 mm, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है, 0.88 mm की पिक है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे गिटारिस्ट हैं जो कि इस पिक को यूज़ करते हैं, 0.88 पिक को। एग्जांपल टोनी आयामी फ्रॉम ब्लैक सैबथ, आपने अगर सुना होगा नाम। साथ ही साथ अगर आप बात करें जॉन मेयर की, सो जॉन मेयर इज़ ऑल्सो यूजिंग दिस पिक टॉटेक्स 0.88। और साथ ही साथ बहुत सारे गिटारिस्ट हैं, लेट सपोज अगर आप बात करें जॉन फ्रुशांटे की, तो जॉन फ्रुशांटे भी सेम यही पिक यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पिक है और बहुत ही सूटेबल पिक है आपके लिए, अगर आप रिदम प्लेयर हैं या अगर आप हल्का फुल्का रिफ्स प्ले करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी पिक रहेगी। फ्रेंड्स, अब दूसरी पिक जो मैं उठाने जा रहा हूँ वो है फेंडर की, फेंडर हैवी। फ्रेंड, इसमें इसका जो साइज़ है वो मेंशन नहीं किया गया है कि इस पिक का कितना साइज़ है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इसका साइज़ है वो है 0.96, क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है काफ़ी अच्छा क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ हुआ है। और साथ ही साथ फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे गिटारिस्ट हैं जिमी हेंड्रिक्स, वो ये पिक यूज़ करते थे और वो ज़्यादातर उनके प्लेइंग में फंक का एक फ्लेवर रहता था। तो अगर जो जो प्लेयर्स फंक प्ले करते हैं, सो दे कैन गो विद फेंडर हैवी, बहुत ही अच्छी पिक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छी पिक है। फ्रेंड्स, मैं अब जो आपको पिक के बारे में बता रहा हूँ ये है जैज़ 3, और बेसिकली जैज़ 3 मैं खुद भी जैज़ 3 से प्ले करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जो इस टाइप की पिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से, ये मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगती, क्योंकि इसलिए कंफर्टेबल नहीं लगती, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मटेरियल है, प्लास्टिक जो यूज़ हुआ है वो काफ़ी ग्लॉसी फिनिश के साथ है। जब भी मैं इसको स्ट्रिंग्स के साथ प्ले करता हूँ तो ये स्ट्रिंग के साथ स्लिप जल्दी हो जाती है पिक्स, तो ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है, जबकि मैं खुद जैज़ 3 यूज़ करता हूँ। बट जो जैज़ 3 मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा,
उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप इस पिक्स के लिए जा रहे हैं तो जैज थ्री की जो मैं आपको पिक सजेस्ट करता हूँ आप उसके साथ जाइए, इसको अवॉइड करिए। और फ्रेंड्स जैज थ्री के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये पिक एलिस 0.96 पिक। फ्रेंड्स आपने देखी होगी मार्केट में भी अवेलेबल रहती है एलिस की 0.96। फ्रेंड्स मुझे एक किस्म से ये पिक बहुत ही अच्छी लगती है। रीज़न क्या है कि जब मैं इस पिक से प्ले करता हूँ मुझे आज तक कोई इशू नहीं आया रिगार्डिंग द रिदम, या अगर मैं कोई सोलो पार्ट प्ले कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही अच्छी पिक है, आप इसके लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये आइबनिस की पिक है फॉर एकूस्टिक गिटार। जब मैंने एकूस्टिक गिटार खरीदा था अपना आइबनिस का, उसके साथ मुझे मिली थी, और करंटली मैं इसको अभी कम यूज़ करता हूँ, बट जब मैं इसको यूज़ करता था तो इस पिक ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। बहुत ही अच्छा प्लास्टिक यूज़ हुआ है इस पिक में, कोई नॉइज़ नहीं है ज़्यादा, बहुत ही अच्छी पिक यूज़ हुई है। अब फ्रेंड्स ये सारी जो पिक्स हैं जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दिस टाइप पिक, सॉरी मेरे से एक बार उठ नहीं रही है। फ्रेंड्स जो ये पिक है ये स्टील पिक्स होती हैं और बहुत सारे गिटारिस्ट इसको यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी ये ट्रेबल देता है अपने साउंड में, लेकिन मैं तो आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा ये वाली पिक के लिए। रीज़न क्या होता है कि जब भी आप इसको स्ट्रिंग्स में आप स्ट्रोक करते हैं इस पिक के साथ तो आपके स्ट्रिंग्स का जो लाइफ होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये भी मेटल है, आपकी स्ट्रिंग के ऊपर जो मटेरियल लगा है वो भी मेटल है, तो मेटल मेटल टकराता है तो उससे जो क्या है वो आपकी स्ट्रिंग्स क्रैक होनी शुरू हो जाएंगी या आपकी स्ट्रिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप इस पिक से बजाते हो तो इससे थोड़ा सा नॉइज़ आता है, एक मेटल जो होता है वो आता है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आप रिफ्स वगैरह प्ले करते हैं या आप रिदम प्लेयर हैं तो एक बार को आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं, बट मैं तो इसको आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ इन पिक्स के बारे में बात जो मैंने आपसे की। अब मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल कलेक्शन बताऊँगा दिखाऊँगा जो कि मैं ये खुद यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है मेरी कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जैज थ्री से। फ्रेंड्स ये मेरी पर्सनल जैज थ्री है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये USA मेड पिक है और ये मेरे स्टूडेंट से मैंने मंगवाई थी फ्रॉम US। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी पिक है, इसमें जो ऊपर का मटेरियल देखेंगे सो दिस इज़ मैक्स ग्रिप। तो अगर आप इस पिक को पकड़ के प्ले करते हैं तो इसमें आपकी ग्रिप बनी रहेगी, ये आपके हाथ से स्लिप नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि जब भी मैं इसे प्ले करता हूँ ये उतना ही पार्ट एक्सपोज करती है स्ट्रिंग्स के लिए जितनी मुझे रिक्वायर्ड है। तो जैज थ्री पिक अगर आप रिफ प्लेयर हैं तो आप जैज थ्री के साथ जाइए, बहुत अच्छी पिक है। और मैंने जैज थ्री के साथ रिदम बजाने की भी आदत डाल ली है, वैसे ये रिदम के लिए पिक होती नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ वही यूज़ करते हैं जो कि श्रेडर्स हैं या जो कि लीड प्ले करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ड्रीम थिएटर के जो हमारे जॉन पेट्रुची हैं वो ये पिक यूज़ करते हैं जैज थ्री। तो फ्रेंड्स मैं यही पिक यूज़ करता हूँ, अब इसके साथ मैंने रिदम बजाने की भी आदत डाल ली है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरी यूज़ होने वाली पिक है वो ये है, इसको अमेज़ॉन पर भी चेक कर सकते हैं, अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। 24 पिक्स का सेट है, 12 पिक्स का सेट है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो सेकंड जो मैं पिक यूज़ करता हूँ वो है प्लैनेट वेव्स की। फ्रेंड्स ये जो प्लैनेट वेव्स की पिक है ये इसके ऊपर जो साइज़ मेंशन किया हुआ है वो है 0.76। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर 0.76 मेंशन किया हुआ है और बहुत ही अच्छी पिक है प्लेइंग करने के लिए। आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्स प्ले कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी रिदम इससे प्ले हो जाती है, मतलब ये ओवरऑल दोनों चीज़ें अच्छे से आप इससे प्ले कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये हैं ये जो पिक यूज़ करते हैं वो जो सेटरानी यूज़ करते हैं, तो आप इस पिक को परचेज कर सकते हैं अगर आप रिदम और रिफ में दोनों में अगर आप चाहते हैं कि आपका आप अच्छा प्ले कर पाएँ तो ये पिक आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरा जो हाथ का साइज़ है वो मीडियम है, कुछ लार्ज साइज़ नहीं है मेरे हाथ का, तो फ्रेंड्स इसलिए मैं छोटी वाली जैज थ्री यूज़ करता हूँ ये वाली। बट फ्रेंड्स एक और जैज थ्री आती है जिसको एक्सल बोलते हैं, दिस इज़ जैज थ्री एक्सल। मैं ये उन लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा जिनके हाथ बड़े होते हैं, जिनके हाथ थोड़े लंबे हैं, वो ये पिक को यूज़ कर सकते हैं। ये जिम डनलॉप की ही सीरीज़ है एक्सल सीरीज़, ये भी जैज थ्री है बट ये जो है थोड़े बड़े साइज़ में है, तो जिनका हाथ बड़ा है वो इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। उनसे दूसरी वाली जो मैंने आपको दिखाई थी वो होल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी आप ये पिक ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तीन पिक थी जो मैं ज़्यादातर अपने गिटार में गिटार प्ले करते वक्त यूज़ करता हूँ। और फ्रेंड्स आपको मैं
वो है रेड बियर। तो फ्रेंड्स जो रेड बियर कंपनी है, अब अगर गथरी गोवन को आप जानते हैं तो गथरी गोवन एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और वो जो पिक यूज़ करते हैं वो रेड बियर की यूज़ करते हैं। आज तक मैंने भी उससे कभी प्ले नहीं किया है। अगर आपके पास, अगर आप रेड बियर अपने लिए अरेंज कर सकते हैं तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पिक है। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको ये पिक दिखाई थी टॉटेक्स की, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ करती है। ये पिक के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे गिटारिस्ट यूज़ करते हैं बट साइजेस अलग अलग है। अगर आप जॉन मेयर की बात करें तो जॉन मेयर 0.88 यूज़ करते हैं, अगर आप फ्रुशांटे की बात करें तो फ्रुशांटे 0.60 यूज़ करते हैं और डाइमबैक डैरल हैं 1.00 mm यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स जो गिटारिस्ट यूज़ करते हैं वो टॉटेक्स यूज़ करते हैं, और कुछ जो सेकंड नंबर पे गिटारिस्ट आते हैं जो श्रेडिंग वगैरह यूज़ करते हैं वो ये जैस्त्री यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने कलेक्शन में ये दो रखता हूँ बट मैं टॉटेक्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करता। टॉटेक्स से ज़्यादा मैं प्लैनेट वेव्स यूज़ करता हूँ और उससे ज़्यादा मैं ये जैस्त्री यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो लेसन था ये पिक्स के बारे में था सारा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स जितनी भी मैंने आज आपको पिक्स जो बताई हैं, जितनी भी आपको जो पिक्स दिखाई हैं, वो मेरी प्रेफरेंसेज हैं। जैसे मैं जैस्त्री यूज़ करता हूँ डनलॉप की, और स्मॉल साइज़ जो होता है वो यूज़ करता हूँ, और भी सारी पिक्स हैं जो मैंने आपको बताई अपने चैनल पे कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितनी भी पिक्स हैं ये मेरी प्रेफरेंसेज हैं। अगर आप चाहें तो आप कुछ और पिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि कोई और पिक है जो आपके हाथ में सूट होती है, आप रिदम प्ले कर समय या रिफ प्ले कर समय आप यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स आप वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक की बात ही नहीं है कि वो पिक यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस पिक से आप अच्छा बजा पा रहे हो वो पिक आप यूज़ करो। जो भी मैंने आपको पिक्स बताई है मेरी प्रेफरेंसेज थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।